हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज बहुत दिनों बाद शायद मैं नो कांटेक्ट पे रीडिंग कर रही हूँ। नो कांटेक्ट सिचुएशन, जो लोग बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे, ब्रेकअप हुआ हुआ है, या बिल्कुल लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, ये उनके लिए रीडिंग होगी। क्या चल रहा है आप दोनों के माइंड में, आप दोनों के रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एनर्जीज आ रही हैं आप दोनों के रिलेशनशिप की बेसिस पर, और तमाम डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। बिकॉज नो कांटेक्ट में आप किसी एक पर्सन की एनर्जी पिक नहीं कर सकते, इट्स ऑल अबाउट यू नो नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। इसमें आपकी फीलिंग्स भी आ सकती हैं, आपके पर्सन की भी आ सकती हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है। बिकॉज जैसे जैसे कार्ड्स निकलते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसको लिंक करते जाएंगे कि किससे किसके लिए मैच कर रहा है, ठीक है। फीलिंग्स का भी पता चलेगा, थॉट्स का भी, कोई ऐसी चीज़ लगी कि भाई कुछ करेंगे, कजेक्शन, कोई इंटेंशन, सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का ही मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। इसमें टैरो रीडिंग में, ये जनरल रीडिंग में मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। स्पेशली जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, वो तो बिल्कुल भी जनरल रीडिंग की बेसिस पे कभी कोई फाइनल डिसीजन ना बनाए। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तब आप किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुँचें, ठीक है। चलिए, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अनलेस कि वो एक सिंगल क्वेश्चन ही होना चाहिए। चलिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नॉट अ गुड कार्ड, नॉट अ गुड एनर्जी, नॉट अ गुड वाइब। बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग में ही एक ऐसा कार्ड आ गया है जो कि तकलीफ शो कर रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द हायरोफेंट, किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं, उधर उनके भी बच्चे हैं, आपका भी कोई बच्चा हो सकता है, या फिर कोई यंगर सिबलिंग है, या कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जिसके आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या आपके साथ कुछ इस तरह के मामलात थे कि आप काफ़ी मुश्किल वक्त में आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है, और आपको जैसे कहते हैं ना, जिस किसी के लिए पूरी दुनिया है, था वो शख्स लवर्स, ओके, मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आपके पर्सन भी इस बात से डिनाई नहीं करेंगे, इट वॉज़ अ लव ऑफ अ लाइफ टाइम, इट वॉज़ अ मोमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम टू बी विथ यू। द मून, काफ़ी हैवी एनर्जी है, पाइसिस, जेमिनाय, टॉरस, स्ट्रेट अवे तीन मेजर आर्कानाज, और ये तीनों मेजर आर्कानाज आप दोनों को अपनी अपनी जगह तन्हाई दे रहे हैं। लवर्स का कार्ड दोनों को अपनी अपनी जगह पर ये शो कर रहा है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार और समझदार हो गया, और एक इंसान बस उस लैडर तक आ गया है, अभी एक इंसान नहीं संभला है इतना। या आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी आ रही है? थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी क्लियर है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको लगता है आपका पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपको लगता है आपके पर्सन पार्टी कर रहे हैं, आपके पर्सन को लगता है आप पार्टी कर रहे हैं, आपके पर्सन को लग रहा है आपकी लाइफ में कहीं किसी ने किसी और को आपके साथ इंगेज कर दिया है, उनको लगता है, आपको लगता है कि इनको किसी ने किसी के साथ इंगेज कर दिया। विद द थ्री ऑफ कप्स, आप लोग कोई तीन बेसिक फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं, जो कि बहुत एक दूसरे के साथ सीक्रेट शेयर करते हैं, और जिनके साथ ये तमाम चीज़ें शेयर थीं, उन्हीं के थ्रू शायद आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट डिवेलप हुआ है, जिनको वही वाली बात है ना, जिन तकियों पर सर था वही हवा देने लगे। तो इधर अगर मैं देखूं तो आपका पर्सन कोई आड़ा टेढ़ा टट्टू टेढ़ा आदमी नहीं है, काफ़ी समझदार, वेल नोन, फेमस की बात है, लोग इसको जानते हैं, रेप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत समझदार है। लिटरली ये इंसान टीचर हो सकता है विद द हायरोफेंट, और ये दो बच्चे इसके सामने बैठ के इससे कुछ सीख रहे हैं, स्टोरी सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कोई सेशन, बिकॉज बुक्स साइड में रखी हुई हैं। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, अपने हिसाब से अपने तई का बड़ा ही तजुर्बेकार आदमी, घाट घाट का पानी पिया हुआ, बड़ा ही रिलीजियस भी, अपने अकीदे, अपनी तमाम चीज़ों पे चलने वाला।
अपनी जगह बनाई है इन्होंने, अपनी सह बनाई है, और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में शायद इसी काम को ये आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक वाहिद आप हैं, एक वाहिद आप हैं जिनके सामने ये अपनी सारी रेपुटेशन धरी की धरी कर सकते हैं, बिकॉज इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस पर्सन ने जिस तरह आपको छोड़ा है, आप लिटरली इसका गरेबान पकड़ के इसका ज़मीर झुंझुड़वा सकते हैं और इसको आईना दिखा सकते हैं कि क्या किया है तुमने। बिकॉज आप इस वक्त काफ़ी बुरी हालत में, या तो उस वक्त थे जिस वक्त इसने छोड़ा। जैसे मैंने पहले कहा ना कि जैसे दुनिया, वो एक इंसान मेरी कुल दुनिया था और ये वही हुआ है। ये जब जब इनकी कोई, ये इस ऐसे भी महसूस करते होंगे जो मुझे बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है, कि जब जब कोई इनकी तारीफ़ करता होगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप ऐसे हैं और आप वैसे हैं, तो इनको एक लम्हे में ही, जैसे कहते हैं ना कि चेहरे का रुख बदला, इधर किसी ने इनकी तारीफ़ की और उन्होंने अपना चेहरे का रुख इस तरफ किया और एकदम से इनको आपके साथ आपका चेहरा अपने सामने आता होगा कि मुझसे पूछो कि तुम कैसे हो या कैसी हो। तो ये इस तरह का मामला है, बिकॉज़ ये जितनी इज्जत और जितनी रिस्पेक्ट इन्होंने कमाई है आपको, जिस हाल में इन्होंने छोड़ा है, वो बिल्कुल लेफ्ट आउट, बहुत उदास, बहुत ही डाउन। और ये अपनी नरेशन में, अपने लेक्चर्स में, अपनी एक्सप्लेनेशन में, अपने जवाबात में, अपने काउंसलिंग सेशन में, ये जो भी काम करते हैं, बिकॉज़ हायरोफेंट्स, ऐसा लग रहा है कि इनको काफ़ी हद तक एक रुतबा मिल चुका है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा नरेट करते हैं आपके छुट जाने को। और सबक मिला है इनको डेफिनेटली। ये आपकी ख़ुद की भी एवोल्यूशन हो सकती है, कि जिस वक्त इस आदमी ने, जिस इंसान ने, जिस खातून ने आपको छोड़ा, और नो कॉन्टैक्ट में जब आपका ये ब्रेकअप सिचुएशन हुआ, तो आप एक बिल्कुल बिखरे हुए इंसान से, जब आप बिल्कुल टूट गए, बिखर गए, आपका सारा साथ छोड़ दिया, ऐसे वक्त में छोड़ा जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और फिर जो आपने अपनी इज्जत कमाई है, अपने आप को हायरोफेंट के रूप में लेकर आए, एक स्कॉलर के रूप में, एक पढ़ने वाले इंसान में, एक नॉलेजेबल पर्सन बनने में, उसने आपको इस काबिल बनाया, और ये वो मोहब्बत थी, ये वो मोहब्बत है जिसने इस नो कॉन्टैक्ट में आपको ये लेसन दिया है। कुछ अभी भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ अभी भी आपके खौफ हैं, आप डरते हैं, आप डर जाते हैं, आपको लगता है कि ये दोबारा से फ्लैशबैक होके ना सब कुछ आ जाए। And there are three people in your life, including you. कुछ तीन लोगों का आपकी ज़िंदगी में बहुत मेगा रोल है आपको मिलाकर, और ये इन तीन लोगों के दरमियान आपको मिलाकर ये चक्रम घूमता रहता है। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये दो लोग जो आपके अलावा हैं, शायद आपके पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, या ये आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आपकी ख़बर इन तक पहुँचाते हैं, कुछ भी है याद है। और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो अच्छी चीज़ है वो सिर्फ याद है। इसके अलावा जब आपको ख्याल आता है, तो अब आपको तकलीफ़ उस अच्छे ख्यालात पर भारी हो जाती है। आप अपना वो लवर जोन वाला टाइम नहीं याद करना चाहते, बिकॉज़ वो आपको बहुत ज़्यादा फियर्स देता है। आपको जुदाई का हर वक्त वो वक्त याद दिलाता है, आप कैसे ठुकरे, आप कैसे छुटे। तो इट्स अ हैवी एनर्जी, लाइक इन नो कॉन्टैक्ट। और इस वक्त आप ज़रा ज़्यादा हैवी जोन में हैं, इस वक्त आपकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही, इस वक्त आपको दुख ज़्यादा लगा पड़ा हुआ है, क्योंकि आपको इज्जत रुतबा सब कुछ मिल गया इस मोहब्बत के धोखे में, इस मोहब्बत के तजुर्बे में, जो कुछ भी है। लेकिन जो सफ़र आपने गुजारा है वो आपको काफ़ी डाउन रखता है, डिप्रेस रखता है। बट आपको अगर अचीवमेंट मिल रही है, रुतबा मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, तो इट लुक्स लाइक कि आपको, आपके लिए ये इंसान पूरी दुनिया था, पूरी कायनात था, बस ये वाली बात है, और आप उसके लिए, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बिल्कुल करंट सिचुएशन बताई जाए, करंट एनर्जीज भी बताई जाए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों की करंट एनर्जी, द हैंगमैन स्टक है मैटर पाइसिस, द फूल फ्रेश स्टार्ट की अर्ज है द एरीज कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप बहुत इवॉल्व हो गए, जैसे मैंने लास्ट में कहा था, डर रहे हैं आपके पर्सन, एट ऑफ कप्स उनको लगता है आप मूव ऑन कर गए, अब आप वहाँ पे नहीं हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये जोड़ा था, आप लोग बिल्कुल इक्वल डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, और आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं उनको लगता है कि शी इज़ नॉट देयर, ये आगे बढ़ चुकी है, या ये आगे बढ़ चुका है। ये आपके मर्द, यानी आप अगर मेल हैं तो आप में फेमिनिन एनर्जी एक्टिव है, अगर आप फीमेल हैं तो आप में
मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिव है। मैस्कुलिन एनर्जी आपको स्ट्रेंथ में ला चुकी है और फेमिनिन एनर्जी आपके गिविंग एलिमेंट को बंद कर चुकी है। आपके पर्सन और आप दोनों के दरमियान चीज़ें स्टक हैं। आप दोनों एट द सेम टाइम चाहते हैं कि नया स्टार्ट भी हो जाए, चलो एडवेंचर करके दोबारा देखते हैं, मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार करके दोबारा देखूं, लेकिन क्या वो अभी भी वहाँ मौजूद है, क्या उसका साथ मुझे मिलेगा, क्या उसी तरह इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा? नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में बस्त है, बहुत पावरफुल है, वो मेरे लिए क्यों इंतज़ार करे, क्या पड़ी है उसको इंतज़ार करने की, अच्छा है आगे बढ़ जाए। और ऑलरेडी एक डेवलपमेंट हो चुकी है, मैं अपने तौर पर स्ट्रॉन्ग, वो अपने तौर पर स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं लगता कि ये मूव ऑन वाली एनर्जी को मैं रोक सकूं। कोई एक इंसान जाते जाते पलटता हुआ भी महसूस हो रहा है। अभी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की या आपकी, आप दोनों में से किसी एक की कोई रिलीजियस, कोई स्पिरिचुअल जर्नी हुई है, कोई ख़ास जगह पर आपने ट्रैवल किया, क्योंकि पीछे दोनों जगहों पर एक टॉम्ब, एक गुंबद, एक मस्जिद, एक मीनार, फैक्ट्री का काम, कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही है, जिससे लगता है कि आपके अंदर कोई अवेकनिंग हुई है, या तो ये आपके पर्सन के दरमियान हुई, उनके अंदर कोई डेवलपमेंट हुई है। लेकिन करंट एनर्जी में आप दोनों में से कोई एक बहुत डेस्परेटली चाह रहा है कि इस अटके लटकन मामले को आगे बढ़ाया जाए, रिस्क लिया जाए, लीप ऑफ फेथ लिया जाए, ट्राई करते हैं क्या होगा, ज़्यादा छूट चमाट मरा कर दिया जाएगा। लेकिन वो नाराज़ है, वो खफा है, उसका मूड ऑफ है, वो खिंचा खिंचा है, वो खिंची खिंची है। जेंडर आप अपने हिसाब से, या क्वीन ऑफ वांड्स है, वो अपनी ज़िंदगी में, अपने काम में, अपने पैशन में मस्त है, मेरा वेट नहीं किया उसने, आगे बढ़ गई, जो जिस तरह की भी चीज़ें जो बातें। लेकिन आपके पर्सन हैं बहुत हैंडसम और ब्यूटिफुल व्हाट्सएवर, आप दोनों एक्चुअली दोनों एक दूसरे का, आप दोनों की सीरियसनेस देखें, आप दोनों एक दूसरे की सीरियसनेस देखें, वो अपने में गुरूर में, वो अपने पीछे सोफे के डर के भागे खड़े हुए, आंखें दोनों की खुली हुई हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छे से देख रहे हैं। अच्छा, दोनों के पास एक ही तरह का टूल है, एक ही तरह का जो है वो जो घोड़े को चलाने के लिए डंडा होता है, सोटी कहते हैं ना जिसको, हाँ, घोड़े को मारते हैं फिर वो तेज़ भागता है। इवन आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अगर क्वीन ऑफ वांड्स फेमिनिन होते हुए आप आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं ना, आपकी जो सवारी है, आपके जो हालात हैं, आपके जो मामलात हैं, वो आपको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। और आपके पर्सन इस बात पे कॉन्फिडेंट हैं कि ये सिर्फ इसकी खाम ख्याली है, मेरा सिर्फ आ जाना, इस ट्रेन को पार करके यहाँ पर खड़े होकर आ जाना जो है ना, इसको जाने नहीं देगा, ये वापस रुक जाएगी, ये वापस पलट जाएगी। तो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अभी जो एनर्जी आ रही है बाहर उमड़ उमड़ के, कूद कूद के, वो बिल्कुल यही है। क्लैरिफाई करते हैं, हैंगमैन यहाँ पर क्यों है जनाब? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैंगमैन क्यों आया है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फड्डे हो रहे थे, बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, जिसकी वजह से आप दोनों में खामोशी हो गई, आप दोनों चुप हो गए, आपके अपने भी आपसे लड़ रहे थे, आपका पर्सन भी आपसे लड़ रहा था, किसी में तमाम आफियत ये समझी गई कि हम दोनों एक दूसरे से बात करना अभी ख़त्म कर देते हैं। द फूल कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? टेन ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको मैरिज मटेरियल लिटरली प्रपोज करने का भी सोच रहे हैं, कोई ऑफर देने का सोच रहे हैं, आप थोड़े से खिंचे हुए नाराज़ हैं, या तो इन्होंने एंड टाइम पे आपको बिल्कुल फाइनल कमिटमेंट देते देते डिच किया, नो कॉन्टैक्ट हुआ, या फिर ये लिटरली आपके साथ इस लीप ऑफ फेथ को लेना चाहते हैं बिकॉज ये वाकई आपके साथ आपको फैमिली, आपको कमिटमेंट या आपको शादी ऑफर करना चाहते हैं, यही एक लीप ऑफ फेथ और एक चांस और एक एडवेंचर ये लेना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो डाउट वाली बात थी, मुझे लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन के जहन में ये इंप्रेशन है कि शायद आपको कोई और नया मिल गया है, और वो वेल्दी भी है, स्टाइलिश भी है, स्टेबल भी है, और आप जिस तरह जिस भी स्टेटस में हैं उसको आप कबूल हैं, ये आपके पर्सन के माइंड में आ रहा है। एंड देर कुड बी समवन एल्स आल्सो इन योर लाइफ, जिसकी वजह से आपको नो कॉन्टैक्ट में रहना इतना खलता नहीं होगा, कि आपके पास ऑलरेडी एक चॉइस और एक ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे वो जिस भी रिलेशनशिप स्टेटस की फॉर्म में हो, तो बहलना, भूलना, जहन को झटकना आपके लिए नो कॉन्टैक्ट में आसान हो जाता है, और आप थोड़ा सा अपने अंदर स्ट्रेंथ और पावर की पावर गेन करके आगे बढ़ने में सेट रहते हैं। एट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? एट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने पहले कहा
ये आपको मूव ऑन करने के लिए नहीं देंगे इजाज़त, ये आपको मूव ऑन करने नहीं देंगे, बिकॉज ये विद द फूल, विद द टेन ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, ये इस पर्सन को जीतने नहीं देंगे। इनको आपके साथ दोबारा से कुछ फ्रेश क्रिएटिव, कोई बिल्कुल स्क्रैच से इनको कोई आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, और ये चाह रहे हैं कि आप इनको कंसिडर बहुत स्ट्रांगली करें। अब ये इन पर डिपेंड करता है कि इनकी तरफ से एफर्ट क्या आती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ये आपको ज़िंदगी में इन्होंने अपने एंड पर से आपको जितनी भी तकलीफ दी, ये अब आपको पीस ऑफर करना चाहते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये छोड़ देने वाला, लेफ्ट आउट वाला मामला इनके ऊपर इतना भारी हो कि ये ख़ुद भाग जाना चाहते हो कि अगर मैं यहीं पर रहा तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूं, तो मुझको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो शायद ये किसी के साथ घूम फिर भी रहे हों, लेकिन ये भाग रहे हैं, चेजर, ये रनर बने हुए हैं, और इनकी जो, इनका जो रिग्रेट है वो इनको चेज कर रहा है। तो चेजर और रनर वाली जो बात है वो बिल्कुल यहाँ साफ नज़र आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड से दे प्रिटेंड टू बी वेरी स्ट्रांग, बट एक्चुअली अंदर जंग चल रही है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये क्लैरिफायर्स हैं। लेट्स सी मोर। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों की सोल लेवल पर क्या एनर्जी आ रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सोल लेवल पर आप दोनों की एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सोल लेवल पर आप दोनों की एनर्जी। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ट्रस्ट, अनरिक्वेटेड लव, ट्रू लव, देर आर टू पीपल इन योर लाइफ, रिकन्सिलिएशन। ये पर्सन आपके साथ स्ट्रांगली रिकन्साइल करना चाहते हैं, और जो इनको अलर्ट साइंस मिलने थे वो शायद इनको मिल गए, आपको भी मिल गए। इस नो कॉन्टैक्ट में आप दोनों थम गए हैं कि जो होना था वो हो गया, अब दोनों पॉज पे हैं विद द हैंगमैन। कभी कोशिश करते हैं ये, कभी आप कोशिश करते हैं। इन्होंने आपको लिटरली किसी एक ऐसी याद से जिसका ताल्लुक रेड कलर से है, इसके हाथ पे आप देखें रेड कलर बंधा हुआ है, कभी आप इनको नहीं जाने दे रहे, कभी ये आपको नहीं जाने दे रहे। अगर आप इस दोनों कार्ड्स को देखें तो एक तरफ एक लेडी अपने पर्सन को रोक रही है, और एक तरफ एक पर्सन अपनी लेडी को रोक रहा है, और सराउंडिंग की सारी एनर्जी जो है वो हाथ थामे, दिल पर हाथ रख के जो है वो देख रही है कि हाय दोनों में से कौन किसकी मानता है। बिकॉज डीप डाउन इनसाइड आप दोनों को ये बात पता है, लवर्स के कार्ड से भी, टेन ऑफ कप्स एंड किंग एंड क्वीन के कार्ड से, दैट इट्स अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ऑनेस्टली आप लोगों ने कम वक्त गुजारा, लेकिन जैसा भी गुजारा बड़ा दमदार गुजारा है, और इन्हीं चीज़ों की बेसिस पर आपके पर्सन का दो दफ़ा फूल कार्ड में और एक और इंडिकेशन में आया दैट दे वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रेश, दे वॉन्ट टू कम बैक टू यू। दे लिटरली सोल लेवल पर जो इनकी अर्ज नज़र आ रही है उसमें शिद्दत नज़र आ रही है। तो ये नो कॉन्टैक्ट में आपके रिलेशनशिप की वाइस वर्सा लाइक वाइज रीडिंग आई है, एनर्जी आई है, क्लैरिफाई हुई है एनर्जी, और फिर सोल लेवल पे आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं वो भी बिल्कुल आपके सामने हैं। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। कोई कन्फ्यूजन हो इन टर्म्स ऑफ नो कॉन्टैक्ट में अब आपको क्या फ़ैसला करना चाहिए, तो फिर आप मुझसे सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और प्राइवेट रीडिंग भी ले सकते हैं, ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी